तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड। आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ के बारे में। जैसा कि फ्रेंड मैंने आपको सीआरपीएफ का जो कि ऑलरेडी मैंने एक रजिस्ट्रेशन का वीडियो बना के आपको दे दिया था पार्ट वन। इससे पहले वाले वीडियो में जैसा कि फ्रेंड मैंने आपको बताया था कि तभी रजिस्ट्रेशन हो रहा था, पूरा फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा था। तो आज वाली वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि पूरा फॉर्म को कैसे फिलअप करना, ए टू जेड जानकारी मिलेगा। फ्रेंड आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आपने पार्ट वन वीडियो नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, वो वीडियो देख सकते हैं। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको ये भी वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। फ्रेंड इस वेबसाइट पे आने के बाद सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं आपको लॉगिन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड देख सकते हैं आपके सामने पेज ओपन होकर आ जाता है। इसे क्लोज देंगे, सिंपली यहाँ पे फॉर्म खुल के आ जाता है। फ्रेंड हमारे वीडियो में आपको जो है कि ज्यादा किसी भी तरह का कोई फालतू बात नहीं मिलेगा, आपको जो है कि पूरी तरह से काम के बारे में बताया जाएगा और सिक्योर बताया जाएगा। फ्रेंड आप सिंपली रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो वो भी देख लेंगे कैसे करता है, आप वो वीडियो भी देख सकते, आप जाके वो वीडियो भी चेक कर सकते हो। नहीं तो मैं थोड़ा सा यहाँ भी आपको गाइडलाइन कर देता हूँ। यहाँ से फ्रेंड आपको पोस्ट नेम चूज करना होता है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको सारे पोस्ट मिल जाते हैं, कोई इनमें से जो भी पोस्ट बेटर लगता है आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। फ्रेंड कुछ पोस्ट जो है कि आपका जैसे ड्राइवर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको इसमें ड्राइवरी लाइसेंस मांगा जाता है। अगर आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जिसमें आपको जो है कि आईटीआई का डिग्री मांगा जाता है। अगर आपके पास आईटीआई है तो आप सिंपली उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप जो भी है आप चूज कर लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट कोड आ जाता है, उसके बाद अपना यहाँ पे जो कि फ्रेंड देख सकते अपना नाम डाल देंगे। आप अपना फ्रेंड जो नाम मेंशन कीजिएगा वो आप मैट्रिक का मार्कशीट के अनुसार ही होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब चीज उसके अनुसार ही फिल करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। फ्रेंड उसी के अकॉर्डिंग ही फिल करें आप, अपना नाम डाल देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर जो कि अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं ईमेल आईडी डालना होता है, कंफर्म ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालना होता है। आप ईमेल आईडी को अच्छी तरह से डालें जो कि आपका एक्टिव हो और उस पर ही आप रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मैसेज होकर आता है। सिंपली यहाँ से डिक्लेरेशन दे देंगे, कैप्चा डाल के रीवेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। रीवेरीफाई पे जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड आपके सामने यहाँ पे जो भी डिटेल्स आपने फिल किया है वो डिटेल्स आपके सामने आ जाता है कंफर्मेशन करने के लिए। उसके बाद सभी में टिक करके आप जो कि फाइनल सबमिट कर देंगे। आपके ईमेल आईडी पे जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मैसेज होकर आ जाता है। सिंपली उसके बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड लॉगिन पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मांगा जाता है। यूजर आईडी पासवर्ड कैप्चा डाल के सिंपली लॉगिन कर लेंगे। आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है वो आपका यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स खुल जाता है लॉगिन करने के बाद। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे सिंपली आप जो कि गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे, पेज लोड होकर आ रहा है, आपको सिंपली फॉर्म फिल करना है। इसके बाद से वीडियो में फ्रेंड लास्ट तक बने रहे, आपको सारा डिटेल्स बताया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड देख सकते हैं आप जो कि गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपके सामने फॉर्म खुल के आ जाता है। सिंपली यहाँ से अपना जो है कि जेंडर बता देंगे, उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेंगे। फ्रेंड आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है सिंपली यहाँ से कैलेंडर निकाल के आप अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ चूज करने के बाद फ्रेंड सिंपली उसके बाद यहाँ से अपना जो है कि नेशनलिटी बता देंगे, इसमें टिक कर देंगे। उसके बाद अपना यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। फ्रेंड जो भी आपका कैटेगरी आता है कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से देख सकते हैं आपको जो है कि स्क्रॉल कर लेना थोड़ा सा, उसके बाद जो है कि अपना फादर्स नेम मदर्स नेम डाल देंगे। उसके बाद स्क्रॉल करने के बाद फ्रेंड देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे जो है कि आपको अपना जो है कि स्टेट बताना होता है, किस स्टेट में आप जो है अपना एग्जाम सेंटर चूज करना चाहते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद सिटी सिलेक्ट कर लेंगे। आप जो कि स्टेट के अनुसार आपको सिटी एग्जाम सेंटर मिल जाएगा, अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। फ्रेंड एग्जाम सेंटर फ्रेंड चूज करने के बाद देख सकते हैं आपको जो है कि एक स्टेट और एक ही सिटी मिलता है, आपको जो कि अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। फ्रेंड तीनों में अपना एग्जाम स्टेट चूज करने के बाद एग्जाम सेंटर चूज करने के बाद सिंपली से स्क्रॉल कर लेंगे। फ्रेंड उसके बाद यहाँ से पूछा जाता है फ्रेंड आप अगर एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद फ्रेंड पूछा जाता है कि आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से आपको पूछा जाता है अगर आप गुजरात दंगों के अगर कुछ कैंडिडेट हैं तो वैसा है तो आप जो है कि उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बता देंगे यस नो। सिंपली आप उसके बाद यहाँ से सेवन नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड देख सकते हैं आपका डाटा सेव सक्सेसफुल हो जाता है, सिंपली ओके कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ से अपना एड्रेस फिल करना होता है, आप अपना एड्रेस बता देंगे, एड्रेस लाइन वन में फिल कर देंगे, उसके बाद टू में, उसके बाद अपना कंट्री बता देंगे फ्रेंड, उसके बाद स्टेट बता देंगे जिस भी स्टेट से आप आते हैं, उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे। फ्रेंड जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका आता है डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे, उसके बाद पिन कोड डाल देंगे। उसके बाद फ्रेंड अगर आपका सेम एड्रेस है तो आप जो कि यहाँ पे यस कर देंगे, नहीं तो आप जो है कि अलग अलग एड्रेस फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड आप यहाँ पे एड्रेस फिल करने के बाद सिंपली सेवन नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ से मैट्रिकुलेशन का जो कि डिटेल्स बताना पड़ता है। देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे अपना जो कि आपने जिस भी बोर्ड से पास किया अपना वो बोर्ड लिख देंगे। जैसे फ्रेंड आपने अगर बिहार बोर्ड से पास किया तो सिंपली बीएसईबी लिख देंगे, उसके बाद पटना लिख देंगे आप सिंपली, इस तरह से आप फिल कर देंगे। उसके बाद पासिंग ईयर चूज कर लेंगे जो भी इसमें अपने पासिंग ईयर से आप वो बता देंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से अपना इंस्टीट्यूट का नाम, मतलब आपने किस स्कूल से पढ़ाई किया वो स्कूल का नाम दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट बता देंगे फ्रेंड, जैसे कि आपका जो है कि हिंदी है, उसके बाद जो है कि इंग्लिश है, उस तरह से आप जो है कि सारा सब्जेक्ट स्पेस बाय स्पेस देके पूरा नाम लिख देंगे। हिंदी इंग्लिश संस्कृत मैथ इस तरह से आप सारा जो कि लिख देंगे फ्रेंड। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से आप जो कि परसेंटेज बता देंगे, आपका जो भी परसेंटेज आपका कितना नंबर आया था, कितना में आपका एग्जाम हुआ था, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे कि फ्रेंड मैं आपको दिखा देता हूँ, परसेंटेज फ्रेंड देख सकते हैं आपको ऑटोमेटिक ले जाता है। अगर आप सीजीपीए वाले हैं तो फ्रेंड सीजीपीए चूज कर लेंगे, उसका डिटेल्स यहाँ पे बता देंगे, आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेंगे। फ्रेंड चलिए मैं ये सारा फिल करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। मैट्रिक का डिटेल्स फिल करने
बाद फ्रेंड देख सकते हैं आपके सामने 12 का जो कि डिटेल्स के लिए ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर आपने 12 अपने किया हुआ है, अगर आपका पास आउट है तो आप जो कि यहाँ पे फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हो। उसके बाद फ्रेंड देख सकते हैं जैसे मैंने आप जो कि मैं ड्राइवर के लिए जो कि फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे ड्राइवर का ऑप्शन आता है, सिंपली इस पे यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करने बाद फ्रेंड देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ जाता है। सिंपली फ्रेंड यहाँ से आपको बता दूं मैं क्या क्या अपलोड करना है आपको। आपको फ्रेंड रिसेंट साइज फोटो अपलोड करना है, रिसेंट ही जो कि आपका 3 महीने का ही होना चाहिए, और उसके फोटो के नीचे आपका जो कि डेट ऑप्शन होना चाहिए, डेट तारीख आपका जो कि साल मेंशन होना चाहिए फोटो के नीचे, जैसा कि फ्रेंड आपको मैं दिखा दूंगा। उसके बाद फ्रेंड बात करते हैं यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, उसके बाद आपको क्लास 10 का जो कि मार्कशीट अपलोड करना है, उसके बाद अगर आपने 12 है तो आपको 12 का भी अपलोड कर सकते हैं, उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है फ्रेंड, ये आप जो कि जेपीजी या पीडीएफ फाइल में भी अपलोड कर सकते हैं। 100 से 300 KB के बीच होना चाहिए फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। जैसे आप आई बटन पे कर्सर लाएंगे तो आपका जो यहाँ पे शो कर जाएगा आपको किस तरह का साइज रखना है और आपको किस में अपलोड करना है, देख सकते हैं। और फोटो का फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आप पढ़ भी सकते हैं, आपको फोटो के नीचे आपको जो कि डेट मेंशन करवाना होता है, तो आप जो कि वो चीज मैंडेटरी है वो करवा लेंगे। अगर नहीं करवाते फ्रेंड, अगर आप बिना जो कि फोटो में डेट मेंशन किए अगर अपलोड कर देते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो इसलिए डेट वाला फोटो अपलोड ना करेंगे। तो चलिए फ्रेंड मैं ये सारा चीज अपलोड करके फिर आपको आगे का प्रोसेस में दिखाता हूँ। तो फ्रेंड आप यहाँ पे आपको मैं दिखा दो फोटो, आप इस चीज आप फोटो के नीचे इसी तरह से आप डेट फ्रेंड मेंशन करवा देंगे, उसके बाद फोटो को आप अपलोड करेंगे। एक चीज और फ्रेंड, जैसा कि फ्रेंड मैं आपको बता दूं यहाँ पे देख सकते जैसे आप फोटो अपलोड करते हैं सिंपली यहाँ पे आपको जो कि व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक बार आप यहाँ पे प्रीव्यू कर लेंगे, उसके बाद ही आपका जो है कि फोटो सभी चीज जो है कि डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से अपलोड होता है। जैसा कि फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे आपका सारा चीज जो है कि अपलोड हो चुका है। तो फ्रेंड यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने बाद फ्रेंड सिंपली इस तरह से स्क्रॉल कर लेंगे, आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद फ्रेंड देख सकते हैं आपके यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस है वो 0 रुपए दिखा रहा है, क्योंकि फ्रेंड आप एक चीज ध्यान रखें, अगर आप जनरल ओबीसी से आते हैं तो आपको 100 रुपीज चार्ज देना पड़ता है इस फॉर्म को फिल करने के लिए, अदरवाइज आप जो भी कैटेगरी से आते हैं तो उसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। इसलिए फ्रेंड सिंपली यहाँ पे स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ पे डिक्लेरेशन दे देंगे सभी में टिक कर देंगे, उसके बाद आई एग्री कर देंगे, कैप्चा डालेंगे, सिंपली यहाँ पे जो है कि प्रीव्यू कर लेंगे। फ्रेंड एक चीज हमेशा एक बार प्रीव्यू करके आप फॉर्म को अच्छी तरह से चेक कर लेंगे कि आपने सारा डिटेल्स फिल किया, क्योंकि ये बाद में फिर एडिट नहीं हो पाएगा। सिंपली उसके बाद प्रीव्यू करने बाद सिंपली फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। फाइनल सबमिट पे क्लिक जैसे ही करते हैं फ्रेंड यहाँ पे एक बार आपसे कंफर्मेशन फिर से पूछा जाता है, सिंपली उसे आई एग्री पे क्लिक कर देंगे। आई एग्री पे क्लिक करने बाद फ्रेंड देख सकते हैं आपके सामने जो कि एप्लीकेशन हैज बीन सबमिट सक्सेसफुली करके ऑप्शन आ जाता है, सिंपली से क्लोज कर देंगे। उसके बाद यहाँ से अपना फ्रेंड जो कि अपना प्रिंट आउट निकाल के आप रख सकते हैं, सिंपली यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे आप इसे प्रिंट करके रख सकते हैं। फ्रेंड अगर आपका पेमेंट के लिए ऑप्शन आता है फ्रेंड, तो अगर आपको फॉर्म भरने में किसी भी तरह का कोई परेशानी होता है तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करें। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से अपना जो कि एप्लीकेशन को प्रिंट करके या फिर इससे कहीं भी सेव करके आप रख सकते हैं। फ्रेंड वीडियो अच्छे लगे तो फ्रेंड वीडियो को जरूर लाइक करें, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा फ्रेंड कमेंट करके बताएं, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड आप वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कोई भी आपका जो भी फ्रेंड है आप जो कि वो घर बैठे ही फॉर्म को फिल कर सके अच्छी तरह से, ना कि उसको कहीं पे उसको एक्स्ट्रा पेमेंट देने की जरूरत।